तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। इंडिया में आज के दिन ट्रांसफॉर्मर्स मूवी फ्रेंचाइजी की एक बिल्कुल ही नई फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट रिलीज हो चुकी है और अब तक इस मूवी को बहुत सारे फैंस ने देख भी लिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रांसफॉर्मर फैन इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए तो उन्हीं सारे फैंस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे और आप सभी को इस पूरी मूवी की स्टोरी को डिटेल में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप सभी को ट्रांसफॉर्मर्स टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमने इस वीडियो से पहले 15 सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो के अंदर हमने रैंक किया है सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मर्स को। तो आप हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि आप सबको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप सभी एक ही क्लिक से उस वीडियो को एक्सेस कर पाएं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी की स्टोरी को। तो इस मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक अनजान से प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे मैक्सिमल्स होते हैं और उन सभी मैक्सिमल्स के ऊपर टेरेकॉन्स की टीम हमला कर देती है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के ट्रेलर के अंदर आप सभी ने जितने भी ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स को देखा था जो कि किसी न किसी जानवर के रूप में थे, जैसे कि गोरिला, चीता या फिर राइनो, तो वो सारे जानवर वाले ट्रांसफॉर्मर्स मैक्सिमल्स हैं, ठीक बिल्कुल ही ऑटोबॉट्स की तरह। और जिस तरह से ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम है, ठीक उसी तरह से मैक्सिमल्स का भी एक लीडर है और वो लीडर है ये गोरिला वाला ट्रांसफॉर्मर, जिसे कहा जाता है ऑप्टिमस प्राइमल। वैसे आप सबको ऑप्टिमस प्राइमल का नाम ऑप्टिमस प्राइम जैसा लग रहा होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ऑप्टिमस प्राइमल का नाम ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर ही रखा गया है। लेकिन अब ऐसा क्यों है और ये कैसे हुआ, ये सब आप सभी को मूवी में आगे पता लगेगा। अब मैक्सिमल्स के बाद बात करते हैं टेरेकॉन्स की। तो ये टेरेकॉन्स यूनिक्रॉन की आर्मी है और टेरेकॉन्स की ये पूरी आर्मी सिर्फ और सिर्फ यूनिक्रॉन की बात मानती है। और इन सभी टेरेकॉन्स के लीडर का नाम है स्कर्ज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब मूवी के अंदर हम ये देखते हैं कि इस अनजान से प्लेनेट के ऊपर जहाँ पर मैक्सिमल्स रहते हैं, वहाँ पर यूनिक्रॉन अपनी टीम के साथ मिलकर, यानी कि सारे टेरेकॉन्स के साथ मिलकर उन सब के ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि यूनिक्रॉन खुद एक प्लेनेट से भी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए वो इस प्लेनेट के अंदर टेरेकॉन्स को भेजता है ताकि टेरेकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथों से एक की को ले आए, एक ऐसी की यानी कि एक ऐसी चाबी जो कि यूनिक्रॉन को चाहिए। और अगर यूनिक्रॉन ने इस चाबी को हासिल कर लिया तो फिर वो इस चाबी की मदद से टाइम और स्पेस के एक पोर्टल को खोल सकता है और फिर वो उस पोर्टल के जरिए किसी भी प्लेनेट के पास जा सकता है और उस प्लेनेट को खा सकता है। इसके साथ ही इस पोर्टल के जरिए वो ना सिर्फ पास्ट में जा सकता है बल्कि कई साल आगे फ्यूचर में भी जा सकता है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि यूनिक्रॉन प्लेनेट्स को खाता है बिल्कुल गैलेक्टस की तरह, और इसी से उसकी भूख शांत होती है। और मैक्सिमल्स ये जानते हैं कि अगर यूनिक्रॉन के हाथ में ये चाबी आ गई तो फिर वो पूरे यूनिवर्स को ही मिटा देगा, इसीलिए मैक्सिमल्स इस चाबी की हिफाजत कर रहे हैं। अब जब टेरेकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथों से चाबी लेने जाते हैं तब उन दोनों आर्मीज के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन आखिर में मैक्सिमल्स का जो लीडर होता है, जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल होता है, वो अपनी आर्मी के एक दूसरे किंग कॉन्ग को लीडर बनाता है और उसे नए ऑप्टिमस प्राइमल का दर्जा दे देता है। और फिर वो उसके हाथों में उस चाबी को रख देता है और फिर वो उनसे कहता है कि वो सारे एक साथ उस प्लेनेट से निकल जाएं। और जब तक वो लोग प्लेनेट से बाहर नहीं जाते तब तक वो अकेला ही इन सारे टेरेकॉन्स से फाइट करके उन्हें रोकेगा। अपने लीडर के ऑर्डर्स मिलते ही सारे के सारे मैक्सिमल्स एक बड़े से स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और फिर वो उस चाबी को लेकर सीधा उस प्लेनेट से निकलकर सीधा अर्थ प्लेनेट में चले जाते हैं, जो कि उस प्लेनेट से बहुत दूर होता है। और उन्हें वहां से निकलने में टेरेकॉन्स रोक ना पाए, इसके लिए सारे मैक्सिमल्स का ऑप्टिमस प्राइमल उन सबसे अकेला ही फाइट करके उन्हें रोक रहा होता है। लेकिन उन सबसे अकेले फाइट करने की वजह से टेरेकॉन्स का लीडर यानी कि स्कर्ज उस ऑप्टिमस प्राइमल को जान से मार देता है, लेकिन उसकी पूरी आर्मी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर यूनिक्रॉन को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो स्कर्ज से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी जाए और उस चाबी को उसके पास लेकर आए। और फिर इसके बाद यूनिक्रॉन उस पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर लेता है। इसके ठीक बाद हमें अर्थ प्लेनेट का नजारा दिखता है, जहाँ पर साल चल रहा होता है 1994, यानी कि पिछली बम्बल मूवी से 7 साल आगे, क्योंकि बम्बल बी मूवी की स्टोरी साल 1984 की होती है और ये मूवी साल 1994 में है। यहीं पर न्यूयॉर्क शहर के अंदर हम एक जवान से लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है नोआ। नोआ अपने घर में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता है और इसकी फैमिली के अंदर इसकी मदर और एक छोटा भाई होते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि नोआ के छोटे भाई को सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स है और इसीलिए उसका बड़े हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। लेकिन क्योंकि नोआ के पास कोई जॉब नहीं है और ना ही उसकी फैमिली ज्यादा पैसे वाली है, इसीलिए उसके भाई के इलाज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्योंकि नोआ ने अपने भाई के इलाज के 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए अब डॉक्टर्स ने उसके भाई का इलाज करने से भी मना कर दिया है। ये सब देखने के बाद
नोवा एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और वो ये कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से इस जॉब को हासिल कर ले ताकि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने भाई का इलाज करा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि नोवा को वो जॉब नहीं मिलती और उसे ये बोलकर जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि वो एक टीम के साथ मिलकर काम करने के काबिल नहीं है। जॉब से रिजेक्ट होने के बाद नोवा अपने एक दोस्त से मिलता है, लेकिन नोवा का ये दोस्त एक चोर होता है और इसीलिए वो नोवा से कहता है कि अगर वो अपने भाई का इलाज कराने के लिए पैसे चाहता है तो उसे उसके साथ मिलकर एक चोरी करनी होगी। नोवा के पास कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वो अपने दोस्त की बात मान जाता है और अपने दोस्त के कहने पर एक बिल्डिंग के अंदर एक कार चोरी करने निकल जाता है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि नोवा को टेक्नोलॉजीज की बहुत समझ है और वो मशीन्स के बारे में बहुत कुछ जानता है और इसी वजह से उसका दोस्त उसे अपने साथ चोरी करने ले जाता है, वो भी कार की चोरी। नोवा इधर बिल्डिंग के अंदर कार की चोरी करने जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसके शहर के एक बड़े से म्यूजियम के अंदर एक प्राचीन सी पक्षी की मूर्ति होती है और उस छोटी सी मूर्ति के ऊपर कुछ सिंबल्स बने होते हैं और जब उसी म्यूजियम की एक कर्मचारी उस पक्षी की मूर्ति को देखती है तब वो रात को अकेले में उस मूर्ति को निकालती है और उसके ऊपर लिखे अक्षरों के ऊपर रिसर्च करने लगती है और फिर उसे पता लगता है कि वो सिंबल बहुत ही प्राचीन टाइम का है, आज से तकरीबन 500-600 साल पहले का। लेकिन उस मूर्ति के ऊपर रिसर्च करते टाइम ही उस लड़की के हाथों से जिसका नाम एलिना होता है उससे वो मूर्ति टूट जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि उस मूर्ति के अंदर वही चाबी है जो चाबी यूनिक्रॉन को चाहिए थी, यानी कि टाइम और स्पेस का पोर्टल खोलने वाली चाबी। एलिना को वो चाबी देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो तो ये सोचने लगती है कि उसने गलती से इस मूर्ति को तोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही मूर्ति के टूटने के बाद चाबी बाहर निकलती है वैसे ही कुछ ही देर में वो चाबी चमकने लगती है और फिर तभी उस चाबी के अंदर से एक बहुत जोर की लाइट निकलती है, एक ऐसी लाइट जो कि आसमान में हर तरफ चमकने लगती है। लेकिन वो एक ऐसी मिस्टिकल लाइट होती है जो कि किसी भी इंसान को नहीं दिखती बल्कि वो दिखती है ऑटोबॉट्स को। उसी लाइट को ऑप्टिमस प्राइम देखता है जो कि उस टाइम पर अपने ट्रक वाले फॉर्म में होता है और फिर उस लाइट को देखते ही वो ये समझ जाता है कि वो लाइट उसी चाबी से आ रही है जो चाबी टाइम और स्पेस में पोर्टल खोल सकती है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वो चाबी इतनी पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स में किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है और साथ ही साथ टाइम में भी कहीं भी ले जा सकती है। और ऑटोबॉट्स भी ये बात जानते हैं कि यूनिक्रॉन उस चाबी के पीछे पड़ा है, लेकिन ऑटोबॉट्स को ये भी पता है कि अगर वो लोग किसी तरह से उस चाबी को हासिल कर लेंगे तो वो सब उसकी मदद से अपने ग्रह पर वापस जा सकते हैं, यानी कि साइबरट्रॉन पर। उस चाबी से निकलती लाइट को देखते ही ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबॉट से कम्युनिकेट करता है और उन सभी को अपने बेस पर आने के लिए कहता है, यानी कि अपने अड्डे पर। और फिर ऑप्टिमस प्राइम का सिग्नल मिलते ही हम ये देखते हैं कि सारे ऑटोबॉट्स जो कि कार और बाइक्स के फॉर्म में अलग अलग जगहों पर छुपे हुए थे वो एक एक करके बाहर आने लगते हैं और सीधा अपने अड्डे की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो कि कार को चोरी करने के लिए एक कार के अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस कार के अंदर घुसता है वैसे हमें पता लगता है कि वो कार भी एक ट्रांसफॉर्मर है और इसीलिए कार में घुसते ही जैसे ही नोवा कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है वैसे उस कार के अंदर से ऑप्टिमस प्राइम की आवाज आती है जो कि उस कार को कहती है, मिराज तुम्हें जल्दी से जल्दी अड्डे पर आना है। और फिर यहीं से हमें पता लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मर का नाम मिराज है। ये आवाज सुनकर नोवा को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो ये सोचने लगता है कि ये आवाज उस कार की रेडियो से आई होगी, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम का सिग्नल मिलते ही मिराज वहीं पर स्टार्ट हो जाता है और वो तेजी से भागते हुए नोवा को लेकर सीधा अपने अड्डे पर जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक एक करके सारे ऑटोबॉट्स अपने अड्डे पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर यहीं पर ऑप्टिमस प्राइम जैसे ये देखता है कि मिराज वहां पर एक इंसान को लेकर आया है वैसे ही वो मिराज के ऊपर गुस्सा होता है और वो उससे कहता है कि तुम इंसान को क्यों लाए हो। लेकिन मिराज जो कि बहुत मजाकिया होता है वो ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जब ये लड़का मेरे अंदर बैठा था तब मैंने इसकी बातें सुनी थी और ये लड़का बहुत अच्छा है इसीलिए हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सारे ऑटोबॉट्स से कहता है कि वो सभी 7 सालों से धरती पर हैं और इन 7 सालों में उन्हें अपने ग्रह पर वापस जाने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन अब उनके पास एक मौका है क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो चाबी इसी शहर के पास के म्यूजियम के अंदर है और अगर वो चाबी उन्हें मिल गई तो वो उसकी मदद से अपने ग्रह वापस जा सकते हैं। पर ऑप्टिमस प्राइम सभी से कहता है कि ये काम उन सबको चुपके करना होगा और क्योंकि वो सभी बहुत बड़े हैं इसीलिए उन सबका चुपके से उस म्यूजियम के अंदर जा पाना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही मिराज उन सब से कहता है कि उनका ये इंसान दोस्त उन सब की मदद कर सकता है और मिराज ये जानता है कि इसे अपने भाई के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और इसीलिए वो नोवा से कहता है कि अगर वो उनकी मदद करेगा और उस चाबी को म्यूजियम से निकालकर उन सबको दे देगा तो वो नोवा को बहुत सारे पैसे देंगे ताकि वो अपने भाई का इलाज करा सके। और फिर ये सुनते ही नोवा इस ऑफर को मान जाता है और सभी ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर उस चाबी को लेने के लिए म्यूजियम में चला जाता है। सारे ऑटोबॉट्स मिलकर नोवा को म्यूजियम में घुसा देते हैं, लेकिन नोवा जैसे म्यूजियम के अंदर जाता है वैसी वो ये देखता है कि वो चाबी एलिना के हाथों में है। नोवा एलिना को समझाता है कि वो चाबी बाहर खड़े बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट्स की है और इसीलिए वो इस चाबी को लेने आए ताकि वो इस चाबी को उन्हें सौंप सके, लेकिन एलिना उस पर भरोसा नहीं करती और नोवा के हाथों में चाबी देने से मना कर देती है। लेकिन फिर तभी हम ये देखते हैं कि उस म्यूजियम के बाहर ऑटोबॉट्स के साथ साथ टेराकॉन्स भी आ जाते हैं और उन्हीं के साथ होता है उनका लीडर स्कर्ज। और फिर एलिना जैसे ही खिड़की से उन सबको देखती है वैसी वो उन्हें देखकर डर जाती है और इसीलिए वो उस चाबी को नोवा को दे देती है और उससे कहती है कि तुम लोगों से मेरा कोई लेने देना नहीं है।
सर्ज और उसकी आर्मी पूरे म्यूजियम को ब्लास्ट कर देते हैं और उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिना और नोआ किसी तरह से चाबी को लेकर म्यूजियम के बाहर आ जाते हैं और फिर उसी चाबी को बचाने के लिए ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों टीम्स चाबी को हासिल करने में लग जाते हैं। इसी फाइट के अंदर सर्ज ऑप्टिमस प्राइम से फाइट करता है और वो ऑप्टिमस प्राइम को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वो ऑप्टिमस प्राइम की जान लेने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बंबलबी आकर सर्ज को रोक देता है, लेकिन सर्ज बंबलबी को पकड़कर उसे जान से मार देता है और फिर इसके बाद वो सारे ऑटोबॉट्स को हरा देता है और फिर वो चाबी को लेकर वहां से भाग जाता है। सर्ज और उसकी आर्मी के वहां से जाने के बाद एलिना और नोआ सारे ऑटोबॉट्स से पूछते हैं कि आखिर वो लोग कौन थे और वो लोग इस चाबी के पीछे क्यों पड़े हैं और फिर इसी का जवाब देते हुए ऑटोबॉट्स उन दोनों को बताते हैं कि वो एक ऐसी चाबी है जिसके जरिए टाइम और स्पेस में एक पोर्टल खोला जा सकता है और फिर उसके जरिए कहीं भी जाया जा सकता है और हम उस चाबी का इस्तेमाल करके अपने घर जाना चाहते हैं, यानी कि अपने प्लेनेट साइबरट्रॉन में। लेकिन वही चाबी यूनिक्रॉन नाम के एक दुश्मन को भी चाहिए और ये सारे टेराकॉन्स उसी के आदमी थे जो कि उसके लिए इस चाबी को लेने आए थे और अगर यूनिक्रॉन को ये चाबी मिल गई तो वो तुम्हारे इस अर्थ प्लेनेट के साथ साथ यूनिवर्स के बहुत सारे प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और उन सारे प्लेनेट्स को खा जाएगा। लेकिन यहीं पर ऑटोबॉट्स उन दोनों को बताते हैं कि वो चाबी पूरी नहीं बल्कि आधी है और इसीलिए अभी यूनिक्रॉन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी चाबी का आधा हिस्सा उसे ढूंढना बाकी है। चाबी के दो टुकड़े होने वाली बात सुनकर एलिना सारे ऑटोबॉट्स से कहती है कि वो चाबी जिस मूर्ति के अंदर थी उसने उस मूर्ति के ऊपर लिखे निशानों के ऊपर रिसर्च की थी और उस निशानों को पढ़ने के बाद उसे पता लगा था कि वो सिंबल्स पेरू देश के एक प्राचीन से मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि चाबी का दूसरा हिस्सा पेरू देश के उसी प्राचीन मंदिर में होगा। इसके बाद ही एलिना और नोआ सारे ऑटोबॉट्स के साथ मिलकर सीधा पेरू देश जाते हैं और वहां पहुंचकर उस प्राचीन मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की गुफाएं बहुत छोटी छोटी होती है, इसीलिए सारे ऑटोबॉट्स ये फैसला करते हैं कि एलिना और नोआ उस मंदिर की गुफाओं में जाएंगे और चाबी के दूसरे हिस्से को ढूंढ कर लाएंगे। और क्योंकि स्काउट्स और उसकी पूरी टीम इस चाबी के दूसरे हिस्से के पीछे पड़ी है, इसीलिए सारे ऑटोबॉट्स इस मंदिर की गुफा के बाहर रहकर स्काउट्स के आने का इंतजार करेंगे ताकि अगर स्काउट्स यहां पर आता है तो वो लोग इस चाबी के दूसरे हिस्से को उनके हाथ आने से रोकेंगे। लेकिन इनके प्लान बनाने के कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि स्काउट्स और उसके साथी दूर से इन सब के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे और स्काउट्स अपनी टीम से कह रहा था कि हमें पता है कि ये लोग यहाँ पर चाबी लेने आए हैं और एक बार ये लोग चाबी को बाहर निकालेंगे तो हम इनसे चाबी छीन लेंगे, ठीक बिल्कुल पहले की तरह। एलिना और नोआ जैसे ही मंदिर के गुफा के अंदर आते हैं वैसे ही उस गुफा के अंदर उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का बॉक्स मिलता है और जैसे ही वो दोनों उस पत्थर के बॉक्स को खोलते हैं वैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि उस बॉक्स के अंदर चाबी का दूसरा हिस्सा है, लेकिन वो बॉक्स खाली होता है और उस बॉक्स के अंदर कई सारे निशान बने होते हैं और एलिना को ऐसा लगता है कि ये निशान जरूरी हो सकते हैं, इसीलिए वो उन निशानों को कॉपी कर लेती है और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेती है। लेकिन गुफा के बाहर सर्ज अपनी आर्मी के साथ खड़ा होता है और उसे ऐसा लगता है कि एलिना और नोआ को चाबी का दूसरा हिस्सा मिल गया है और इसीलिए वो अपनी आर्मी के एक छोटे से मेंबर को उस गुफा के अंदर भेजता है ताकि वो उन दोनों को मारकर चाबी के हिस्से को सर्ज के पास ले आए। लेकिन सर्ज की आर्मी का वो बंदा जैसे ही एलिना और नोआ के पास आता है वैसे ही उसे देखकर नोआ अपने कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए मिराज को ये बता देता है कि वहां पर सर्ज अपनी आर्मी के साथ आ चुका है और उसके एक बंदे ने उन पर अटैक कर दिया है। इसके बाद ही सारे ऑटोबॉट्स एक्टिव हो जाते हैं और वो वहां पर सर्ज और उसकी टीम को ढूंढकर उन्हें पेलने लगते हैं और फिर ऑटोबॉट्स और टेराकॉन्स के बीच एक बार फिर से फाइट होने लगती है। इधर एलिना और नोआ स्कर्ज के भेजे हुए बंदे से बचते हुए गुफा से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो गुफा के एक ऐसे रास्ते से बाहर आते हैं जो रास्ता उन्हें सीधा जंगल की तरफ ले जाता है। पर वो लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं वैसे ही उन दोनों को कई सारे मैक्सिमल्स घेर लेते हैं और उन सारे मैक्सिमल्स में होता है गोरिला ट्रांसफॉर्मर यानी कि ऑप्टिमस प्राइमल, चीटोर जो कि एक चीता ट्रांसफॉर्मर है और राइनोक्स जो कि एक राइनो ट्रांसफॉर्मर है। लेकिन तभी वहां पर सारे ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं और ऑप्टिमस प्राइम वहां पर आकर मैक्सिमल्स के सामने आ जाता है और वो उन सबसे कहता है कि ये दोनों हमारे दोस्त हैं इसीलिए इन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। इसके बाद ऐसा लगता है कि उन दोनों टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली है और मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, लेकिन वो सब आपस में लड़ते हैं कि उससे पहले ही वहां पर एरिजोर आती है जो कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मर होती है जो कि ईगल के शेप में होती है और वो वहां पर आकर दोनों टीम्स को एक दूसरे के बारे में बताती है और मैक्सिमल्स को ऑटोबॉट्स से मिलवाती है। ऑटोबॉट्स से मिलने के बाद प्राइमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि हम सारे पास्ट और फ्यूचर के ट्रांसफॉर्मर्स हैं और मैं हूं इन सारे मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल और मेरा ये नाम ऑप्टिमस प्राइमल तुम्हारे नाम ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर रखा गया है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑप्टिमस प्राइम यानी कि तुम एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे तुम जैसे योद्धा का नाम मिला है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम सारे मैक्सिमल से ये पूछता है कि इस गुफा के अंदर चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं है तो क्या तुम लोग जानते हो कि वो चाबी का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है। ये सुनते ही मैक्सिमल्स का हेड ऑप्टिमस प्राइमल यानी कि ये किंग कॉन्ग ऑप्टिमस प्राइम को बताता है कि मैं जानता था कि उस गुफा के अंदर से कभी न कभी कोई चाबी निकालने की कोशिश करेगा और इसीलिए मैंने चाबी को कहीं और छुपा दिया है। इसके बाद वो सभी को अपने साथ आने के लिए कहता है और फिर वो सभी को लेकर सीधा एक कबीले के पास जाता है और उस कबीले के हेड से लोकल लैंग्वेज में बात करता है, जिसके बाद उस कबीले का वो हेड अपने घर के अंदर से उस चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर आता है और फिर वो चाबी के दूसरे हिस्से को लेकर ऑप्टिमस प्राइमल सभी को बताता है कि वो सब इस कबीले के साथ काफी टाइम से रह रहे हैं
और इसीलिए उन सबको इस कबीले के ऊपर भरोसा है और इसी वजह से उसने चाबी को भी यहीं पर छुपाया था। चाबी के दूसरे हिस्से को लेने के बाद वो सभी वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन फिर तभी उनके ऊपर स्कर्ज अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है और फिर उन सबके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस हमले को देखकर ऑप्टिमस प्राइम और ऑप्टिमस प्राइमल दोनों मिलकर चाबी के दूसरे हिस्से को नोवा के हाथों में सौंप देते हैं और वो एलिना और नोवा से कहते हैं कि वो दोनों इस चाबी के दूसरे हिस्से को लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाएं, बाकी तब तक स्कर्ज और उसकी टीम को वो लोग संभाल लेंगे। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान एराजोर जो कि ईगल ट्रांसफॉर्मर है वो स्कर्ज से जाकर फाइट करती है, लेकिन फाइट के दौरान ही स्कर्ज एराजोर के ऊपर एक डिवाइस फेंक कर मारता है और उस डिवाइस के लगते ही एराजोर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन असल में वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए स्कर्ज एराजोर के ऊपर हावी होने लगता है और वो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करने लगता है। इस फाइट के अंदर ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर स्कर्ज और उसकी टीम को दूर भगा देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एलिना और नोवा दोनों मिलकर चाबी के दूसरे हिस्से को लेकर काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन फिर तभी एराजोर के दिमाग के ऊपर स्कर्ज हावी होने लगता है और वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद एराजोर सीधा उड़कर एलिना और नोवा के पास जाती है और उनसे चाबी के दूसरे हिस्से को ले लेती है और फिर वो उसे ले जाकर सीधा चाबी के दूसरे हिस्से को स्कर्ज को दे देती है, जिसके बाद स्कर्ज अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है और फिर इसी के साथ स्कर्ज के हाथों में चाबी के दोनों हिस्से आ जाते हैं। ये देखकर सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स स्कर्ज का पीछा करने लगते हैं और वो उसे रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी को अपने पीछे आता देखकर स्कर्ज एराजोर के दिमाग के ऊपर कंट्रोल करता है और उसे मैसेज देता है कि वो उसे यहाँ से निकलने दे और जब तक वो वहाँ से निकल नहीं जाता तब तक वो ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स के ऊपर अटैक करें। इसके बाद ही एराजोर अपने दोस्तों के ऊपर ही हमला कर देती है और स्कर्ज के काबू में होने की वजह से वो उन सब के ऊपर वार करने लगती है। इसके बाद ही एराजोर एलिना को अपने पंजों में उठा लेती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ये देखकर एलिना को बचाने के लिए मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल एराजोर के ऊपर कूद जाता है और एलिना को उसके हाथों से बचा लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसे एराजोर को जान से मारना पड़ता है, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइमल ये समझ चुका था कि अगर वो एराजोर को नहीं मारेगा तो वो उनके लिए और बड़ी मुसीबत बनेगी और क्योंकि वो स्कर्ज के काबू में है इसीलिए वो उनके ऊपर ही वार करती रहेगी। इसके बाद ही ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर सीधा अपने अड्डे पर जाते हैं और वहीं पर हम ये देखते हैं कि ऑटोबॉट्स अपने साथ बम्बलबी की बॉडी भी लाए हैं और फिर सारे ऑटोबॉट्स मिलकर बम्बलबी की बॉडी को एक एनर्जोन के सोर्स के ऊपर लेटा देते हैं ताकि बम्बलबी को एनर्जोन की पावर मिलती रहे और अगर बम्बलबी के बचने के थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो बम्बलबी उससे वापस जिंदा हो सके। इसके बाद मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में स्कर्ज और यूनिक्रॉन को अपने प्लान को कामयाब करने से रोकना होगा और फिर इसी प्लान में एलिना उन सबको बताती है कि गुफा के अंदर उसे कुछ निशान दिखे थे और उसने उन निशान के बारे में जाना है और वो निशान ऐसे हैं कि उन निशानों की मदद से उस चाबी से खुले हुए पोर्टल को रोका जा सकता है। इसके बाद ही वो सारे ये डिसाइड करते हैं कि वो सब जाकर स्कर्ज और उसकी पूरी आर्मी का सामना करेंगे और उसी दौरान एलिना इस निशान की मदद से उस पोर्टल को बंद कर देगी। इसके बाद ही दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्कर्ज अपनी आर्मी के साथ मिलकर फटाफट से चाबी को एक्टिवेट कर देता है और पोर्टल को खोलना स्टार्ट कर देता है और उस पोर्टल के खुलते ही हम ये देखते हैं कि यूनिक्रॉन धीरे धीरे करके उस पोर्टल के जरिए अर्थ पर आ रहा है और अगर यूनिक्रॉन पोर्टल के जरिए अर्थ पर पहुंच जाता तो वो एक ही बार में पूरे अर्थ को खा जाता और फिर वो निकल जाता यूनिवर्स के दूसरे प्लैनेट्स को खाने। पोर्टल को खुलता हुआ देखकर ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स ये समझ जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और फिर इसीलिए वो सारे एक साथ मिलकर स्कर्ज और उसकी पूरी आर्मी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्कर्ज वहां पर अपनी आर्मी के और भी बहुत सारे मेंबर्स को बुला लेता है, जिसके बाद उन दोनों आर्मीज के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान ही एलिना धीरे से जाकर उस चाबी की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो उस चाबी को ऑफ कर सके और पोर्टल को बंद कर सके, लेकिन तभी स्कर्ज की नजर नोवा पर पड़ती है और वो नोवा को जान से मारने आता है, लेकिन वो नोवा के ऊपर अटैक करता है कि उससे पहले ही मिराज उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो नोवा के अटैक को खुद पर झेल लेता है, लेकिन स्कर्ज धीरे धीरे करके मिराज के ऊपर और भी कई सारे अटैक्स करता है और मिराज के कई सारे टुकड़े कर देता है, लेकिन इसके बाद वो नोवा को मार पाता कि उससे पहले ही ऑप्टिमस प्राइम वहां पर आकर स्कर्ज को रोक देता है और उससे फाइट करने लगता है। मिराज की ये हालत देखकर नोवा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर तभी मिराज धीरे से बोलता है कि अब वो अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि अब उसे नोवा कंट्रोल करे और फिर ये बोलते ही वो नोवा की बॉडी से चिपक जाता है और नोवा देखने में बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और नोवा दोनों मिलकर स्कर्ज से फाइट करने लगते हैं। इधर जब एलिना चाबी के पास के डिस्प्ले के अंदर उस कोड को डालने जाती है जिससे कि पोर्टल बंद हो सके, वैसे स्कर्ज एलिना को देख लेता है और वो चाबी के पास के डिस्प्ले के अंदर निशानों को ना डाल दे इसलिए स्कर्ज वहां पर एक ब्लास्ट करता है और उस पूरी डिस्प्ले को उड़ा देता है ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और फिर इस तरह से एलिना का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्ज के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और उस फाइट के अंदर ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को जान से मार देता है और उसकी गर्दन को उखाड़ देता है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वो पोर्टल पूरी तरह से खुल चुका है और यूनिक्रॉन धीरे धीरे करके उस पोर्टल से अंदर आ रहा है। ये देखकर सारे मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स को ये लगता है कि अब वो सब इस लड़ाई को हार चुके हैं क्योंकि अब वो लोग कुछ भी करके इस पोर्टल को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ही ऑप्टिमस प्राइम सभी से कहता है कि वो सब लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएं क्योंकि अब वो अकेला इस पोर्टल को बंद करेगा। आगे ऑप्टिमस प्राइम सबसे कहता है कि ये चाबी जो कि इस पोर्टल को खोल रही है
अब तक हम इस चाबी को बचा रहे थे और वो इसीलिए क्योंकि इसी चाबी की मदद से हम लोग अपने घर वापस जा सकते थे। लेकिन अब वो लोग अपने घर वापस जा सके या ना जा सके, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में इस प्लेनेट को बचाना होगा, यानी कि पृथ्वी को, क्योंकि बीते कई सालों से यही उनकी दुनिया रही है और अब वो लोग अपनी इस दुनिया को नहीं खो सकते। इसके बाद ही ऑप्टिमस प्राइम सीधा उस चाबी के पास जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चाबी के ऊपर अटैक करता है, जिससे चाबी के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो चाबी पूरी तरह से टूट जाती है, जिसके बाद ही वो पोर्टल धीरे धीरे करके वापस बंद होने लगता है और यूनिक्रॉन एक बार फिर से अपनी जगह पर फंस जाता है। इसी के साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जब पोर्टल पूरी तरह से खुला होता है, तब जैसे यूनिक्रॉन उसके जरिए अंदर आने की कोशिश करता है, वैसे उसके इंपैक्ट की वजह से वहां के आसपास के एनर्जी जोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि बम्बल भी एक एनर्जी जोन के सोर्स के ऊपर लेटा होता है, इसीलिए वहां पर भी एनर्जी जोन की बहुत सारी मात्रा आ जाती है और इसीलिए बम्बल भी एनर्जी जोन की मात्रा से जाग जाता है, यानी कि बम्बल भी वापस जिंदा हो जाता है। और ये सब कुछ टाइम पहले होता है, इसीलिए आखिरी लड़ाई के अंदर ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स का साथ बम्बलबी भी देता है और फिर उन सबकी कड़ी मेहनत और ऑप्टिमस प्राइम की वजह से वो लोग उस पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स अपनी अपनी लाइफ में वापस लौट जाते हैं और एलिना और नोआ भी अपनी अपनी लाइफ में लौट जाते हैं। इसके बाद हम सब ये देखते हैं कि नोआ को एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद एक ऑफिसर नोआ से कहता है कि वो ऑफिसर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अर्थ के बाहर होने वाले गतिविधियों पर ध्यान रखती है और इसीलिए उसे पता है कि अभी कुछ टाइम पहले अर्थ पर क्या क्या हुआ था। और वो ये भी जानता है कि नोआ ने किस तरह बहादुरी दिखाकर दुनिया को बचाने में ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स का साथ दिया है। और फिर इसीलिए वो ऑफिसर नोआ से कहता है कि वो उसे ऑफर करता है कि वो उनके साथ ज्वाइन हो जाए और साथ ही साथ नोआ अपने बड़े दोस्तों को भी उनके साथ ज्वाइन करे, यानी कि ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को। इसके बाद वो ऑफिसर नोआ से कहता है कि इस जॉब के अंदर उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे और वो ये भी जानते हैं कि उसके भाई की मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग उसके भाई का भी इलाज कराएंगे, वो भी वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से। इसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है और फिर हमें एक क्रेडिट सीन दिखता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि नोआ ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मिराज के सारे टूटे फूटे पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है और फिर उन सारे पार्ट्स को जोड़ने के बाद वो मिराज को ठीक कर देता है, जिसके बाद मिराज अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है और हमें दिखता है कि मिराज एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुका है। और फिर इसके बाद ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट मूवी के ऊपर। आपको इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी ट्रांसफॉर्मर्स के टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, आप कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।